एबीसी उर्दू के प्रोग्राम सैरबीन में खुशामदीद। हमारे लंदन स्टूडियो से मैं हूं आदिल शाहजेब। बलूचिस्तान में सेहत का निजाम खुद कई बीमारियों का शिकार। सूबे भर में सिर्फ 28 अस्पताल और उनमें से भी सिर्फ 5 में स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स। सबसे बड़ा मुश्किल उन इन लोगों का था जो बाहर मुल्कों में बैठ के तनख्वाह ले रहे थे। अपनी बारी का बेचैनी से इंतजार, लेकिन शायद ये इंतजार लंबा है। तभी तो घर के छोटे बड़े सारे आए हैं। कुछ लाख के लगभग 4 लाख आबादी के लिए सिर्फ एक अस्पताल, लेकिन स्पेशलिस्ट डॉक्टर एक भी नहीं। पहले अस्पताल बहुत फाल था, लेकिन अभी जो इसका हालात बहुत खराब है। यहाँ तक कि यहाँ पे दो एम्बुलेंस थे, एक खान के घर में खड़ा हुआ है और एक मलिक के घर में खड़ा हुआ है। यहाँ पे जो मरीज इमरजेंसी में होता है तो या रिक्शे में चले जाते हैं या अपनी मदद आपके तहत वो चले जाते हैं। सूबाई हुकूमत दानिस्ता तौर पर इस अस्पताल को कंट्रैक्ट में तब्दील करके बंद करना चाहते हैं। 50 बेड पर मुश्तमिल हॉस्पिटल में अगर आप चेक कर ले, ये आज भी सिर्फ 6 से 7 घंटे तक होता है। 24 घंटे के नाम पे बनाया वाला अस्पताल कुछ नहीं है। शायद ये सूबे का तकरीबन तीसरा या चौथा बड़ा अस्पताल है, यहाँ 50 बेड है, लेकिन इसकी हैसियत RHC से भी कम है। मुफ्ती महमूद अस्पताल को बने 4 साल का अरसा बीत चुका है, लेकिन ऑपरेशन थिएटर समेत कई शोबे आज भी वीरान पड़े हैं। ओपीडी ही चला सकते हैं जो कि मेडिकल अफसर हैं हमारे साथ, कंसल्टेंट हमारे नहीं है, जितने भी पोस्ट हैं वो सारे वैकेंट पड़े हैं। और हम उम्मीद रखते हैं गवर्नमेंट से कि जल्द से जल्द इस हॉस्पिटल को फहाल किया जाए। क्वेटा शहर से महज 20 किलोमीटर के फासले पर कुचलाक के इलाके में अस्पताल के लिए एक अजीमुशान इमारत तो खड़ी कर दी गई है, लेकिन सहूलियात की अदम दस्तयाबी की वजह से ये पूरी इमारत या पूरा अस्पताल गैर फाल है। इसके अलावा सूबे में डॉक्टरों की कमी भी एक अहम वजह समझी जाती है। हम रिकमेंड करते हैं कि हुकूमत बलूचिस्तान जो है वो हर तहसील हॉस्पिटल की सतह पे और पीएचयू की सतह पे डॉक्टर्स जो है मुहैया करें, लेकिन हम देखते हैं कि हमारे यहाँ डॉक्टर्स, चाहे वो मर्द डॉक्टर हों या खवातीन डॉक्टर हों, वो बहुत ज्यादा जो है शॉर्ट तादाद उनकी बहुत कम है। बलूचिस्तान की मौजूदा हुकूमत ने 3.5 साल पहले सेहत के शोबे को अवलीन तरजीहात में शामिल करने का ऐलान किया था। वो बज़ाहिर आज भी इस ऐलान पर कायम है, लेकिन सूबे के अक्सर सरकारी अस्पतालों की सूरत हाल इस ECG रिपोर्ट की तरह ज्यादा हौसला अफजा नहीं है। खुदैनूर नासर, BBC, क्वेटा। बलूचिस्तान में सेहत की सूरत हाल पर हमारे साथी खुदैनूर नासर ने सूबाई वजीर सेहत रहमत बलोच से बात की और पूछा कि सेहत को अवलीन तरजीह देने की बात तो हुई, लेकिन आम आदमी को क्या सहूलियात मयसर हुई। आज हमने ये कोशिश की है कि हमारे पास जो स्पेशलिस्ट केडर की कमी है, लेकिन जिसने FCPS किया है, स्पेशलाइजेशन किया है, दे आर वेटिंग फॉर अपीयरिंग फॉर टू पब्लिक सर्विस कमीशन, तो हमने तब तक उनको उन तमाम इलाकों में डिप्लॉयड किए। इसके अलावा देहातों तक रसाई जो कम्युनिटी मिडवाइफ्स हैं उनके थ्रू हमने मोर देन 400 को डिप्लॉयड किया, उनको किट्स दिए, उनको विल ट्रेंड किया है, सेफ डिलीवरियां बजाय लोकल दाई के कर रहे हैं। बलूचिस्तान के लगभग 32 अजला हैं इस वक्त, क्या इन 32 अजला के जो जिले हेडक्वार्टर्स हॉस्पिटल है वहां पे क्या एक भी क्वालिफाइड डॉक्टर मौजूद है? देखिए ना, हमारे पास 28 DHQ है, बाकी जो नए डिस्ट्रिक्ट अपग्रेड हुए हैं उनमें वो फैसिलिटीज अभी तक प्रोवाइड नहीं है, लेकिन REC या THQ लेवल के हैं और बिल्कुल डॉक्टर मौजूद है। 2.5 साल पहले एक आपकी हुकूमत ने एक ऐलान किया था कि जितने भी नए डॉक्टर्स फारिग हो रहे हैं वो सबसे पहले अपने होम टाउन में 2-3 या 5 साल गुजारेंगे। अब कुछ डॉक्टरों का ये शिकवा है कि जितने भी डॉक्टर्स थे जिनके कोई सिफारिशी था वो वापस आ गए क्वेटा में, और जिनका कोई सिफारिशी नहीं है वो अब भी दूर दराज के इलाकों में है। इसमें कहाँ तक सदाकत? देखिए ना, एक बात आपके मैंने मीडिया के सामने 1000 दफा एडमिट किया, आज भी एडमिट करता हूँ। यहाँ कोई निजाम नहीं था और अभी भी वो निजाम कामयाब नहीं होने दिया जा रहा है, मुदाखलत है। अब भी इल्जाम आप पे ये लगाया जाता है। देखिए मैं क्लियर करूँ, लेट मी टू क्लियर द पॉइंट। अब भी कुछ और मसला है, ये मसला नहीं है। हमारी कोशिश है कि हम लोगों की खातिर जितने असर सुख वाले लोग हैं उसकी नाराजगी मुझे कबूल है, कतान मैं वो काम नहीं करूंगा कि आम लोगों पे असर पड़े। लेकिन एक बात फिर मैं एडमिट करूं कि सिफारिशी कल्चर
और सिफारिश एक माफिया बना हुआ है बलूचिस्तान में, खुदरो तरीका हब भी है, अब भी मैं फेस कर रहा हूँ। और सबसे बड़ा मुश्किलात ये एब्जेंटीज का था, सबसे बड़ा मुश्किलात उन इन लोगों का था जो बाहर मुल्कों में बैठ के तनख्वाह ले रहे थे, लेकिन आप रिकॉर्ड को देखे सबसे ज्यादा टर्मिनेशन हमने किए, किसी गवर्नमेंट ने नहीं किए, मेरे ख्याल में मोर देन 50 डॉक्टर्स को हमने टर्मिनेट किया। लेकिन अब भी कुछ ये डॉक्टर साहिबान कुछ ये कह रहे हैं कि अब भी कुछ इस तरह के डॉक्टर हैं जो बाहर बैठ के अभी तनख्वाहें वसूल कर रहे हैं। नहीं जी, देखिए ना, हम ट्रेस कर रहे हैं, बहुत से हमारे ऐसे ऑफिसर्स हैं जिनके खिलाफ कार्रवाई की है, जो डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर है उसने छुपाया हुआ है, सही है ना। ये सारी चीजें हमारी एक कोशिश है कि हम एक सिस्टम को लाए, हेल्थ इंफॉर्मेशन सिस्टम को, अभी तक हमें कामयाबी नहीं मिली। बलोचिस्तान के वजीर सेहत रहमत बलोच।